चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में, जिसमें एक्शन लगातार जारी है। 50 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच सस्पेंड करने की भी तैयारी चल रही है। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी डीन को पत्र लिखा है। 90 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी कर दिया गया है। 50 डॉक्टर ने दिए हैं जवाब, पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। तो आपको बता दें कि जवाब जरूर दिए हैं ऐसे 50 डॉक्टर हैं, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं है। तो मध्य प्रदेश का नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में अब एक्शन लगातार जारी है और 50 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। सस्पेंड करने की तैयारी भी अब इस पूरे मामले में की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी डीन को पत्र लिख दिया है और 90 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस मामले में, क्योंकि नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला जो है उसमें लगातार एक्शन जारी किए जा रहे हैं, कई सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, कईयों को नोटिस भी किया जा रहा है, कईयों को अब तक सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब लेकिन बड़ी मात्रा में सस्पेंशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? जी, निश्चित तौर पे नर्सिंग फर्जीवाड़ा में को लेकर अब जो है 50 डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए 66 कॉलेजों की मान्यता देने की अनुशंसा करने वाले नफरत पर निलंबन करने की तैयारी कर ली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की पहली बार एक साथ इतने लोगों को जो है विभागीय जांच की जाएगी। आपको बता दें कि अपात्र कॉलेजों को निरीक्षण करने वाले 101 में से 90 डॉक्टर को नर्सिंग स्टाफ नोटिस जारी किया, इनमें 50 जो है अपना जवाब दिया है, जो जवाब भी संतुष्ट नहीं पाया है। जो जानकारी है जो समय आपके हमें मिल रही की सरकार संतुष्ट नहीं जवाब से रिश्ते करते खिलाफ विभागीय जनता 15 दिन तक आरोप पत्र जारी करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज को टीम को पत्र कर देगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोप पत्र जारी होने के बाद विभागीय जांच शुरू होते ही तो उससे पहले संबंधित व्यक्ति को निलंबित करना जरूरी होता है। ऐसे में जल्द उनके निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सभी डॉक्टर नर्स मूल विभाग और अन्य जगह प्रतिनिधि पर सदस्य है और चिकित्सा विभाग के आयुक्त तरुण किशोरे अनुसार निरीक्षण में शामिल है। ऐसे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने जवाब गोलमाल दिया ये जवाब नहीं दिया है उनके खिलाफ जो है बड़ी विभागीय जांच के साथ जो है सस्पेंड की कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए।